हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारे एप्लीकेशन ऑफ मॉफ एक एप्लीकेशंस एनुमेरिक एक्सेस मैंने आपको बताई थी कि किस तरह हम मॉफ से एनेंशियमर को हम सेपरेट करते हैं। एनेंशियमर मीन के आर और एस को हम किस तरह सेपरेट करते हैं। उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी लेंसप्राजोल के, वो स्टोमिक ड्रग है और उसके दोनों एनेंशियमर्स को हम सेपरेट करके ही ड्रग बनाते हैं। अगर हम आप दोनों एनेंशियमर आर और एस को दोनों को इकट्ठे अलग करने के बगैर आप मेडिसिन बनाते हैं तो उससे डेथ हो सकती है, क्योंकि एक एनेंशियमर फायदेमंद होता है, एक्टिव होता है, फ्रूटफुल होता है और उसी ने डिजीज के अगेंस्ट एक्शन करना होता है, और एक जो होता है वो हार्मफुल होता है। अगर आप उसको एज ए मेडिसिन यूज करते भी हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, बाज का तो वो ब्लड में पॉइजनस क्रिएट करता है। तो इसलिए एनेंशियमर्स को सेपरेट करना जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और एप्लीकेशन है, लेटेस्ट एप्लीकेशन वो ये है कि आप मॉफ को किसी कार के सिलेंडर में यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट एप्लीकेशन है कि अगर आप, पहली बात ये है कि हम इसको किसी कार के अंदर अगर सीएनजी किट रखी होती है, सीएनजी गैस का सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर आता है कि अगर हमारे पास पहले से ही किसी कार के अंदर, किसी कोच के अंदर, गाड़ी के अंदर अगर सीएनजी गैस का सिलेंडर, लोहे वाला, स्टील वाला मौजूद है, तो फिर हमें क्या जरूरत है कि हम लैब के अंदर जो है रिस्क लेके रिएक्शन करें, लैब बनाए, मॉफ बनाए और उसकी कैरेक्टराइजेशंस करें। इतना सारा टाइम लगता है और जो है हमें तकलीफ उठानी पड़ती है, तो फिर हम क्यों करते हैं। ये जेन में क्वेश्चन आता है कि अगर पहले से एक सीएनजी की किट अवेलेबल है जो कि आम लोहार भी बना सकता है अगर बनाना चाहे, या आम एक इंडस्ट्री बन जाती है, तो फिर हम इतनी तगोदो तकलीफ करने की, एफर्ट करने की जरूरत क्या है। तो इसका रीजन ये है कि हम जब नेचुरल गैस को एक सिलेंडर में हम भरते हैं, फिल करते हैं, तो वो आई थिंक जो है 5 6 फीट, 5 6 फुट की उसकी लेंथ होती है और कुछ उसकी चौड़ाई होती है, उसमें सीएनजी गैस फिल हो जाती है। अब उमर यागी साइंटिस्ट की पिक्चर है जिसने मॉफ यूज करके एक गाड़ी चलाई है कुछ सेवरल किलोमीटर, आई थिंक 10 किलोमीटर और 13 किलोमीटर तक उसने इस गाड़ी को चलाया है। तो उसमें उसने ये किया है कि एक छोटा सा जो है वो बॉक्स बनाया है और बॉक्स बना के उसके अंदर मॉफ रख दिया है, मॉफ रख दिया है, और उस बॉक्स के अंदर जिस तरह सीएनजी की किट होती है उसी तरह किट बनाई है, उसने मॉफ रख दिया और फिर उसके अंदर नेचुरल गैस यानी कि मिथेन गैस को फिल कर दिया है, और मिथेन गैस को फिल करके उसने काफी 10 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई भी है। अब एक तो सबसे जो बड़ा एडवांटेज मॉफ का ये है कि मॉफ का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, उसका पोर साइज बहुत ज्यादा होता है। अगर एक फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूं आपको कि एक फर्ज करें 1 किलोग्राम या 5 केजी, 5 केजी नेचुरल गैस के लिए अगर हमें 5 फुट का सिलेंडर यूज करना पड़ता है, तो उसी 5 केजी लिए अगर हम मॉफ यूज करें तो मे बी 2 फुट का, 3 फुट का सिलेंडर, छोटा सिलेंडर भी हो, तो वो सारी 5 केजी की गैस उस छोटे से सिलेंडर में आ सकती है। क्यों? मॉफ के अंदर कैपेसिटी है कि वो गैस को हाईली कंप्रेस कर सकता है। मॉफ के अंदर पोर्स फ्लेक्सिबल होते हैं और गैस को हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, उसके प्रेशर्स को वो बर्दाश्त कर सकता है, इसको बियर कर सकता है कि अगर हम छोटे से बॉक्स में मॉफ रख को उस 5 केजी गैस भर दें तो वो गैस उस मॉफ के अंदर अब्जॉर्ब हो सकती है। एक तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम छोटे साइज का सिलेंडर यूज कर सकते हैं, बड़े साइज की बजाय हम छोटे साइज का सिलेंडर यूज कर सकते हैं और उसकी जगह स्पेस सिलेंडर की कम हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसको सम टाइम
ये है कि उस अगर ये कमर्शलाइज हो गया, यानी कि अगर हमारी डेली लाइफ में आ जाता है, तो इसकी कास्ट जो है वो दूसरे स्टैंडर्ड से कम पड़ेगी और ये फ्रूटफुल है। और दूसरी बात ये है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है, तो इसके कुछ एडवांटेज हैं। ये पिक्चर्स में मैंने आपको मॉफ दिखाया है कि मॉफ होता कैसे है। अब मैं स्क्रीन को बड़ा करके दिखाता हूं ताकि आपको और भी इसका आइडिया हो जाए। ये देखें, ये मॉफ का एक माइक्रोस्कोप से पिक्चर ली गई है और ये मॉफ 5 की है। तो ये देखें, जस्ट लाइक क्रिस्टल है या संगमरमर के स्टोन की तरह है, लेकिन ये माइक्रोस्कोप पिक्चर है, माइक्रोस्कोप नहीं है, माइक्रोस्कोप में जो नजर आ रही है। तो इस तरह मॉफ है और इसके अंदर जो है वो कैविटी होती है, तो उसके अंदर ये गैस एब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छा, अब ये उमर यागी उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये मॉफ का आइडिया दिया और इस मॉफ को एक गाड़ी के सिलेंडर के अंदर फिल करके उसको आगे उसने जो है वो रन किया है। अच्छा, बहरहाल हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इस तरह की देखें एक गैस किट आपको नजर आ रही है। तो अगर आप सीएनजी की होती तो देखिए यहाँ से लेके वहां तक कंप्लीट जो है वो फिट हो जाती है, लेकिन मॉफ जो है वो इसको क्या कहते हैं कि कम लेंथ की जो है वो सिलेंडर इसमें यूज होता है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो ये मिथेन गैस को भी हम जो है हम इसमें फिल कर सकते हैं अगर हम फिल करना चाहें तो। अच्छा, मोफ्स एज ए स्टोरेज, मोफ को हम एज ए स्टोरेज यूज कर सकते हैं। ए लोअर प्रेशर कैन बी यूज टू स्टोर द सेम अमाउंट ऑफ गैस। अच्छा, इसका एक एडवांटेज मैंने बताया था कि हम सीएनजी गैस फिल करते हैं एक आम सी किट के अंदर, एक और मोफ उसके अंदर रख के फिल करते हैं तो किट का साइज कम हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि सीएनजी की जो आम सी किट होती है उसके अंदर गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि गाड़ी के अंदर सीएनजी के सिलेंडर फट गया है, फटने से काफी सारे पैसेंजर जो है वो इंजर्ड हो गए हैं या उनकी डेथ हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, एक ह्यूमंस के लिए। तो अगर मॉफ यूज करेंगे तो उसका प्रेशर लो हो जाएगा, उसके सिलेंडर के फटने के चांस कम हो जाएंगे और ह्यूमैनिटी ह्यूमंस की लाइफ हम सेव कर सकते हैं। ये इसका सेकंड एडवांटेज है। लोअर प्रेशर कैन बी यूज्ड टू स्टोर द सेम अमाउंट ऑफ गैस, की उसी अमाउंट को हम फिल कर सकते हैं लेकिन उसका प्रेशर लो होगा। अंडर द सेम प्रेशर इट इज पॉसिबल टू होल्ड 2x एंड अप टू द सेम गैस, की हम उसको डबल गैस जो है हम उसके अंदर फिल कर सकते हैं अगर उसी लेंथ की। फर्ज करें कि एक सिलेंडर है और वो 5 फुट का है, उसमें 5 लीटर आ रहे हैं, तो अगर हम उसके अंदर मॉफ रख लेंगे तो 5 बजाय 10 लीटर उसके अंदर आ सकते हैं। तो ये मिथेन स्टोरेज का एक पिक्चर दिखाया गया, मॉफ 177, उस मॉफ का नेम है 298 केल्विन पे। तो देखें कि ये प्रेशर, इधर प्रेशर दिखाया गया और इधर मिथेन ऑप्टिक के प्रेशर बढ़ने के साथ साथ ये मिथेन गैस जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। अच्छा, ये मोफ 177 ये कैसे बनता है, मोफ 177 ये बनता कैसे है? ये इसमें हम जिंक का साल्ट यूज करते हैं, ये जिंक का साल्ट ही अरेंज होके ये क्लस्टर बनाता है। जिंक एसिटेट साल्ट आप जब हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में अंदर, तो वो अपने ही सॉल्ट के एटम अरेंज होकर ये क्लस्टर बनता है और ये ऑर्गेनिक लिगेंट मिक्स होता है। तो जिंक साल्ट और ये लिगेंट आपस से मिक्स होते हैं तो ये मॉफ का स्ट्रक्चर बनता है। और इन जहाँ पे ये बॉल दिखाई गई है इसकी जगह पे जो है वो गैस के मॉलिक्यूल स्टोर हो सकते हैं। कुछ कार ऐसी भी डिजाइन कर रहे हैं कि उसमें हाइड्रोजन गैस को फिल करके उसकी एज ए फ्यूल हम यूज कर रहे हैं। अभी इस पे अंडर प्रोसेस है क्योंकि हाइड्रोजन गैस लिटिल बिट डेंजरस, तो उससे ब्लास्ट होने के चांस है, पर उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो जिस तरह हम मिथेन गैस को या नेचुरल गैस को उस किट के अंदर
उस सिलेंडर के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, तो इसी तरह हाइड्रोजन गैस को भी हम उस सिलेंडर के अंदर यूज करके उससे आगे जो है वो गाड़ी चला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हाइड्रोजन को कैप्चर करने के लिए एक स्पेसिफिक मोफ यूज किया गया है, MOF, निकल, MDOBDC, ये लिगेंड का नाम है, मेटा DOBC इस लिगेंड का नेम है, और निकल जो है इसमें सॉल्ट है। तो ये इसका डायग्राम दिखाया गया है कि इसमें हम हाइड्रोजन जो आमतौर पे हम गाड़ी में कार में CNG नेचुरल कंप्रेस नेचुरल गैस यूज करते हैं, तो यहाँ पे एज ए हाइड्रोजन को हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए एज इंफॉर्मेशन के चाइनीज गवर्नमेंट ट्राई कर रही है चांद पे जाने की, मे बी एक खलाई रॉकेट या खलाई एरोस्पेस उन्होंने भेजा था खला में, लेकिन वो कुछ फनी खराबी की वजह से वो कामयाब नहीं हुआ, वो दोबारा जमीन पे वापस आ गए, वो अभी सक्सेसफुल नहीं हुए। तो उनका ये प्लान है कि वो चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हम कामयाबी के साथ तेजी के साथ चांद पे जाएं और वहां से जो है वो हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस को जो है वो लेके आए। हीलियम का उनका टारगेट है क्योंकि जो चाइनीज कंट्री है, गवर्नमेंट है, वो तो वहां पे ऑयल बहुत कम है और वो अरब कंट्रीज से ऑयल मंगवाते हैं, जैसा कि सऊदी अरेबिया है, ईरान है, कतर है और कुवैत है, जो ऑयल रिच कंट्रीज है वहां से ऑयल मंगवाते हैं, तो उनको काफी सारी जो है इकोनॉमी लॉस करनी पड़ती है, काफी सारा पैसा जो है उसमें खर्च करना पड़ता है, और चाइनीज जो है पैसे लगाने के लिहाज से बहुत कंजूस हैं, लेने के लिहाज से बहुत सखी हैं वो। तो वो ट्राई कर रहे हैं कि ये किसी न किसी तरीके से ये हमारी जान छूट जाए कि हम अरब कंट्री से ऑयल ना मंगाएं। तो ये हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस को ही फोकस कर रहे हैं या सोलर एनर्जी सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं ताकि किसी तरीके ये फ्यूल का यूज कम से कम किया जाए, और वो काफी हद तक इसमें कामयाब हो भी चुके हैं क्योंकि अगर हमारे यहाँ जिस तरह ये मोटरसाइकिल की भरमार है, हर गली में जो है मोटरसाइकिल है, चाहे जितना गरीब भी है उसके पास मोटरसाइकिल लाजमी होगा, चाहे उसको घर के जेवर ही क्यों ना बेचने पड़े, वो मोटरसाइकिल लाजमी लेकर ट्रेंड बन चुका है। तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रही है, बहुत ज्यादा ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल यूज हो रहा है, लेकिन चाइनीज इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, वो चार्जिंग सिस्टम पे आ रहे हैं, सोलर सिस्टम पे आ रहे हैं। अब मोटरसाइकिल भी जो है आपको 1,000-5,000 में से इक्का दुक्का कोई पेट्रोल वाला मोटरसाइकिल नजर आ जाए, सारे के सारे चार्जिंग वाले मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं, चार्जिंग और चार्जिंग के साइकिल यूज कर रहे हैं, ज्यादा साइकिल यूज करते हैं ताकि फ्यूल के यूज को कम से कम किया जाए, हमें बाहर से ना मंगवाना पड़े। तो इसी तरह ये चांद से भी हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस को लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको एज ए एनर्जी यूज किया जाए, एज ए फ्यूल यूज किया जाए और उसकी इकोनॉमी को सेव किया जाए। तो ये एक आर्टिकल है इसमें जैक्स जर्नल से लिया गया है। ये रिसर्च के कुछ जर्नल्स होते हैं जहाँ पे हम अपनी रिसर्च जो हम करते हैं उसको राइट अप करके एक जिस तरह आप असाइनमेंट लिखते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, इस तरह रिसर्च करके सारे रिजल्ट, उसके अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, सारी चीजें लिख के हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं। और जिस तरह हम 9th-10th के या FSC के एग्जाम के लिए एक बोर्ड होता है, फेडरल बोर्ड, सरगोधा बोर्ड, तो रिसर्च के एक बोर्ड है उसको हम जनरल भी कहते हैं। तो इस तरह रिसर्च के जो बोर्ड है जनरल है, वो जैक्स जो है बहुत मशहूर और बहुत मुश्किल सा एक जनरल है, इसमें मुश्किल से पब्लिकेशन एक्सेप्ट होती है। तो ये इसमें एक आर्टिकल है कि हम मेटा DBDC लिगेंड यूज करें और इसमें ये मेटल यूज करें, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो इसे हम मॉफ बना सकते हैं और इससे हाइड्रोजन गैस रिमूव की गई है। तो ये वो लिगेंड है, देखें कि जो M लगा हुआ यहाँ पे, मैं आपको पॉइंटर से ही समझा दूं कि यहाँ पे जो M लगा हुआ है इस शोज M यहाँ किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मेटा को, ऑर्थोमेटा पैरा पोजिशन जो आपने बेसिक लेवल में पढ़ी हैं, ये मेटा को शो कर रहा है। तो मेटा क्यों है कि हम इस हाइड्रेक्सल ग्रुप के हिसाब से हमारा रेफरेंस पॉइंट है,
आपको पता है कि रेफरेंस पॉइंट्स के जो वन पोजीशंस पे होता है वो क्या होता है, मेटा पोजीशन होती है, जैसे कि वन टू ये थ्री ये फोर ये फाइव और सिक्स। तो आप एफएससी में पढ़ चुके हैं कि जो वन थ्री पोजीशंस है, वन थ्री पोजीशन इज मेटा। तो ये वन है थ्री है दोनों मेटा पे, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है मेटा पे है, इसलिए ये मेटा जो है वो शो किया गया है। अच्छा तो ये उस ये हम प्रोसीजर दिखाया गया कि ये लिगेंड हम कैसे तैयार कर सकते हैं, कि हम ये एक लिगेंड लेके कार्बन डाइऑक्साइड 10 बार प्रेशर है और पोटाशियम कार्बोनेट 225 डिग्री सेंटीग्रेड 12 आवर के लिए रिएक्शन करते हैं, हमारे पास लिगेंड बन जाता है। फिर इस लिगेंड जब बन जाता है, अगेन देखें कार्बोक्सिल के छट क्यों है कि इसके साथ जो है मेटल लिंक होना, चाहे वो निकल मेटल है मैग्नीशियम जो भी है उससे यहाँ पे लिंक होना है, यहाँ भी लिंक होगा तो ये वो लिगेंड हो गया आपका। यहाँ पे आप मेटल यूज करेंगे, कोई ना कोई निकल आयरन कोई मेटल यूज करेंगे, अगर निकल का मॉफ बनाना है तो निकल यूज करेंगे। सॉल्वेंट इसमें डीएमएफ है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड मिथाइल अल्कोहल, तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना है फॉर 18 आवर, 18 घंटे के बाद आप शीशे की बोतल में देखेंगे तो आपको उसकी सरफेस पे कुछ पाउडर नजर आएगा, दैट विल बी ए मॉफ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की फॉर्म में आपको बॉटम के नीचे नजर आएंगे, वो आपका जो है वो मॉफ होगा। तो इसमें ये एक ग्राफ दिखाया गया है कि ये H2 एडसॉर्ब है और यहाँ पे इसकी इंट्रेक्शन दिखाई गई है। तो ये देखें कि जो ब्लू लाइन है वो निकल को शो करता है, कि जो निकल का मॉफ है वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये डिफरेंस अगर हम डिफरेंट मॉफ कंपेयर किया गया है कि कौन सा मॉफ हाइड्रोजन को अब्जॉर्ब करने के लिए बेस्ट है, तो वो निकल मॉफ इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि निकल मॉफ जो कैविटी बन रहे हैं, पोर्स बन रहे हैं, स्पेसिफिक इंट्रेक्शन है, शेप ऑफ पोर्स है, वो बेस्ट है अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिहाज से उसको अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये जो ब्लू ग्रीन लाइन है ग्राफ है, ये निकल एम डी ओ बी डी सी मॉफ को शो कर रहा है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा है और बाकी मॉफ के अंदर उसको अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम है। अच्छा इससे पहले जो है मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो शेयर करना चाहूँगा कि हम इसको मॉफ से हम वाटर कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जैसे वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, जहाँ सूडान के कुछ ऐसे बहुत पुअर कंट्रीज हैं, पुअर इलाके हैं जहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जिनके 1/3 पूरी दुनिया में 1/3 पार्ट के अंदर पानी का मसला है, लेकिन उमर जागी ने क्या किया है कि मॉफ को यूज करके उस इलाके के अंदर उस पानी को उसने ऑब्जर्व कराया, यानी कि ऐसी से डेजर्ट के अंदर ही उसने, क्योंकि रात के अंदर रेगिस्तान के इलाके में नमी ज्यादा होती है, तो उसने रेगिस्तान के ओपन फील्ड में रेगिस्तान के अंदर एक मॉफ का बॉक्स रखा है और मॉफ ने वो एटमोसफेयर का वाटर ऑब्जर्व किया है और ऑब्जर्व वाटर हम निकाल कर उसको पीने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये 3 मिनट्स के एक वीडियो क्लिप है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, इससे आपकी एप्लीकेशन जो है वाटर फ्रॉम डेजर्ट के मॉफ से कैसे हम डेजर्ट ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर की कमी है, वाटर पीने के लिए मुयस्सर नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजीज हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, तो उन्हीं मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए एक साइंटिस्ट उमर जागी ने ये एक मटेरियल डिज़ाइन किया कि जो उस एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी को कैच करके उस पानी को हम पीने काबिल बना सकते हैं। तो ये बेसिकली आइडिया कैसे आया, ये उमर यागी साइंटिस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट है और ये अपनी स्टोरी बताता है कि जब ये ऐसे इलाके में, जॉर्डन एक अरब कंट्रीज
के साथ एक कंट्री है, और वहां पे भी पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। तो उसमें सारी जो है वो या डेजर्ट है या चाहे वो रॉक्स पर इलाका हो। तो ये भी एक ऐसे इलाके में रहता था, गांव में रहता था, जहाँ पे वो पहाड़ी इलाका था, डेजर्ट भी था पहाड़ी भी था, और वहां पे पानी की बहुत किल्लत थी। तो ये इसने कहा है कि मेरे जेन में एक आइडिया है, कोई काश कोई ऐसा मटेरियल हो, कोई ऐसी चीज हो जिससे हम ये पानी की कमी पूरी की जा सके। तो उस वक्त उसने ये कहा है कि हमारे गांव में जब 2 दिन पानी मिलता था, फिर हमें 2-3 दिन हमें वेट करना पड़ता था कि पानी कहीं से आए या ना आए, या हमें कहीं से दूर दराज से वो पानी लेके आना पड़ता था। बहरहाल इसी कंसेप्ट की बेस पे उमर जागी साइंटिस्ट ने ये मटेरियल डिजाइन किया। ये उमर जागी की पिक्चर है। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि ऐसा डेजर्ट एरिया हो जहाँ पे पानी की कमी है, और उस एरिया में रात को आपने वो बॉक्स रख देना है, उस बॉक्स के अंदर मॉफ ऐड कर देना है। रात को क्यों? क्योंकि रात को एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर ज्यादा होती है, ताकि वो मॉफ इसको अब्सॉर्ब कर सके। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक बड़ा सा बॉक्स है, और उसमें ये सारा का सारा ये मॉफ से फिल किया गया है, जो आपको सीमेंट की तरह नजर आ रहा है, ये सारा का सारा मॉफ से फिल किया गया है। आप फिर क्या करेंगे कि इसको जैसे ही हम डेजर्ट पे ओवरनाइट रखेंगे, तो एक रात पूरा उसको हम ओपन फील्ड में रखेंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे? अच्छा, उसको फिर हमने लाइट के वहां से बॉक्स उठा के उसको हमने लाइट के नीचे रखना है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे एक पिक्चर से दिखाया भी जा रहा है कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये मॉफ है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल सारे जितने भी एटमोसफेयर में खड़े हैं, ये इस मॉफ की कैविटी में एब्सॉर्ब हो जाएंगे। जैसा कि ये दिखाया गया कि पहले वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे थे, अब ये सारे का सारा वाटर मॉलिक्यूल उस मॉफ के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। अच्छा, वो बॉक्स उठा के ओवरनाइट आपने रखना है, और रखने के बाद आप उसको लैब में ले आएंगे। ऊपर से आप हाई सोर्स लाइट, यानी कि ऐसी लाइट यूज करें जिसकी टेम्परेचर ज्यादा हो, जिस तरह हमारे यहाँ 100 वाट्स का वो 60 वाट्स का बल्ब होता है इस तरह का, ताकि वो जैसे ही लाइट उस मॉफ के ऊपर पड़ेगी, तो मॉफ के अंदर जितना भी वाटर होगा वो वेपर बन के निकलना शुरू कर देगा। लाइट पड़ती है, बहुत हीट होती है, और वाटर पता है आपको हीट पड़े तो वो एवेपोरेट होना स्टार्ट हो कर देता है। तो वाटर जो है अब ये यहाँ से मॉफ से निकल के इस चैम्बर बॉक्स के किनारे से जैसे ही टकराएगा, आप चैम्बर बॉक्स में क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर कम है, जैसे ही वाटर वेपर्स यहाँ पे स्टक करते हैं, स्ट्राई करते हैं, तो दोबारा वो वेपर लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस वाटर को हम एक बॉक्स, जो आउटर बॉक्स है, इसमें हम वाटर को जमा कर लेते हैं। देखें ये आपको वेपर नजर आ रहे हैं, और ये वेपर सारे हम उस बॉक्स में हम जमा कर सकते हैं, और इसको फिर आप सिरिंज की मदद से आप इसको अलग कर सकते हैं, और इसको आप पी भी सकते हैं। ये क्या है? प्योर वाटर है। उसके बाद है मॉफ इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, के मॉफ को हम अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज सेल है, और इसके अंदर मॉफ को मॉडिफाई करके जो हमने इस सेल के अंदर हमने ऐड कर दिया, ये मॉफ का स्ट्रक्चर है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉफ है। अब हमने इसको ऐड कर दिया, अब क्या होगा? मॉफ इस सेल लिथियम आयन बैटरीज कैपेसिटर के अंदर हमने मॉफ ऐड कर दिया है। अब उसके ऊपर सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी से इसको हम चार्ज करेंगे, ठीक है, और चार्ज करके फिर इसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर, जैसे कि इसको मोबाइल में यूज कर सकते हैं, इसको हम कार में यूज कर सकते हैं। अभी ये कार की टेक्नोलॉजी इतनी इतनी हमारे प्रैक्टिकल फील्ड में आम नहीं हुई, बहरहाल अभी इस पे ये अंडर प्रोसेस है, फॉरेन कंट्रीज में इस पे काम हो रहा है, तो अभी ये कमर्शलाइज नहीं हुई, बल्कि अभी इंडस्ट्री लेवल तक अब ये टेस्टिंग प्रोसेस में है। तो ये मॉफ की अनदर एप्लीकेशन है कि इसको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी अप्लाई इसको हम कर सकते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद ये है कि मॉफ को हम कैटालिसिस में यूज कर सकते हैं। मॉफ को हम यूज कर सकते हैं इन कैटालिसिस पर्पस, कैटालिसिस। अच्छा, अब इसको हम कैटालिसिस में
यूज कर सकते हैं एज ए हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्यों, क्योंकि मॉफ जो है वो सॉलिड फॉर्म में और बाकी रिएक्टेंट्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो वो उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो इसमें दिखाया गया है कि स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिमेट्रिक डाइथाइल जिंक एंड अल्काइनाइल जिंक एडिशन कैटलाइज बाय टाइटेनियम मॉडिफाइड कायरल मीजोमॉर्फ, के हम मीजोमॉर्फ को हमने टाइटेनियम से मॉडिफाई किया है विद इन ओपन चैनल्स, उसके ओपन चैनल के अंदर टाइटेनियम हमने एडजस्ट करवा दिया है, रिप्रोड्यूस्ड विद परमिशन फ्रॉम रेफरेंस। यानी कि जो पब्लिश करने वाला होता है, जब भी हम कोई पिक्चर्स किसी अपने रिव्यू आर्टिकल में ऐड करते हैं तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, तो ये परमिशन लेके पब्लिश किया गया। तो देखिए हमारे पास दो एनेंशियोमर है, ये देखें कंपाउंड ए आर ओ। तो इसमें जो एनेंशियोमर है, अब ये जो एनेंशियोमर है ये अप टू 99% ई वैल्यू, ई वैल्यू क्या है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस। यानी कि इस कंपाउंड को हमारे पास इस रिएक्शंस में दो किस्म के, यानी कि ये देखें कि ये हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है, और ये 91% एनेंशियोमेरिक परसेंट हम इसको अलहदा कर सकते हैं। यानी कि जो ये जो अल्कोहल प्रोडक्ट है, इसकी जो एनेंशियोमेरिक वैल्यू है, ई एनेंशियोमेरिक एक्सेस वैल्यू, वो 91% है। यानी कि फर्ज करेंगे ये आर है, दूसरा एस होगा, तो आर जो है हमने 91% इसको सेपरेट कर लिया है। तो ये मॉफ की कैटालिसिस में एप्लीकेशंस है। तो ये आपको ग्राफ शो किया गया है कि एक काइंड ऑफ अल्डिहाइड व्हेन एंट्रैप्ड इन मॉफ, मॉफ की कैविटी में आएगा, बाकी रिएक्शन होगा, बाकी सारी कंडीशंस होंगी, सूटेबल कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, ईच एंड एवरीथिंग, और उसके बाद अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, एंड वी गेट 91% ई वैल्यू। सो दैट्स एंड ऑफ क्लास, थैंक यू सो मच। वो